सूबे में अपराधियों के धरपकड़ के लिए पुलिस ने नया कदम उठाया। कुमाऊं रेंज के आईजी नीलेश आनंद भरड़े ने बताया कि कुमाऊं के तीन जिले नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और चंपावत के नौ गैंगस्टरों की 8 करोड़ संपत्ति जब्त करने के लिए सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों से उनके नेतृत्व में एक टीम कुमाऊं मंडल में गैंगस्टर एक्ट पर कार्रवाई कर रही है, जो आपराधिक तरीके से सिंडिकेट बनाकर अवैध संपत्ति अर्जित की है और जिनमें खनन सट्टे नौकरी दलाने के माध्यम से या किसी अन्य माध्यमों से करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित की गई है। पुलिस अब ऐसे गैंगस्टर को चिन्हित कर उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई कर रही है, साथ ही अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति से संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधियों के खिलाफ इस मुहिम से डर का माहौल बनेगा और राज्य में अपराध में लगाम लगाने में मदद मिलेगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो है अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करते हैं, जिसमें कि व्हाइट कॉलर क्राइम भी है, नौकरी का झांसा देकर या भर्ती के माध्यम से या और तरीके से जो व्हाइट कॉलर क्राइम में संपत्ति अर्जित करते हैं, या खनन व्यवसाय भी है, इसमें ड्रग्स के माध्यम से संपत्ति अर्जित करते हैं, ड्रग्स बेचकर और या तो ब्याज देकर भी संपत्ति अर्जित करते हैं कोई सट्टेबाजी करके। तो ऐसे 9 मामलों में आज जो है डीएम के वहाँ हमने 5 मामले ऊधम सिंह नगर के, 2 नैनीताल के हैं और 2 चंपावत के। ऐसे कुल 9 मामलों में करीबन 8 करोड़ की संपत्ति के प्रस्ताव जो है जिलाधिकारी को भेज दिए गए और जल्दी ही जो है ये संपत्तियां जो है पूरी जब्त होगी।